नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सरकार ने ये जो भर्ती निकाली है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है और सेना को इससे क्या फ़ायदा होगा। इन दोनों इन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो देखा जाए अगर तो एक रेगुलर जो जवान होता है जिसकी भर्ती सरकार करती है तो इसके भर्ती से लेके इसके जो होता है भर्ती से लेके पेंशन तक में जैसे क्या क्या मिलता है उन्हें, भर्ती वेतन अलाउंस, वाहन, चिकित्सा प्रतिनियुक्ति, जलपान, बाल देखभाल, महंगाई भत्ता, पेंशन आदि मिलता है, जो कुल मिला के 11 करोड़ के लगभग होता है। एक जवान के पीछे सरकार लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च करती है। और वह यदि देखा जाए वहीं एक जो सरकार जो भर्ती करती है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत तहत जो एक क्या करती है सरकार भर्ती करती है तो उसमें सारी सुविधाएं देने के बाद जैसे वेतन अलाउंस, रिटायरमेंट बाद जो पैसा होता है वो 1 करोड़ के लगभग होता है। मतलब जो एक जवान जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो भर्ती करती है सरकार उसको उसके पीछे सरकार का खर्च 1 करोड़ के हिसाब से आता है। अब थोड़ा सा अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें तो एक रेगुलर सिपाही को सरकार लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च करती है। एक एक सिपाही के पीछे सरकार 11 करोड़ रुपए करीब तकरीबन खर्च करती है। वहीं देखा जाए जो सरकार अगर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अगर सरकार किसी का क्या करती है भर्ती करती है तो उसको सब कुल मिला के खर्चा काट के सरकार को 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है, या 1 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करती है। तो देखा जाए तो सरकार को एक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सरकार का लगभग 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए लगभग सरकार का बचता है ए प्रति जवान। एक जवान से सरकार का 10 करोड़ बचता है। यही पैसा सरकार आधुनिकीकरण में लगा सकती है, जो इक्विपमेंट वगैरह हो गए सेना के लिए और बेहतर तरीके से कर सकती है, करना चाहती है। अगर हम लोग बात करें रक्षा बजट की तो रक्षा बजट 2020 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए रक्षा को बजट में मिला, जिसमें सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के तहत कुल खर्चा कितना दे दिया, कुल खर्चा है 1 करोड़ 33 लाख रुपए का खर्च है वेतन देने में या पेंशन देने में। हथियार एवं अन्य चीज को खरीदने में सरकार का कुल कितना खर्च हुआ, 1 करोड़ 20 लाख के रुपए के तकरीबन खर्च हुआ। अब आप ही बताइए जो वन रैंक वन पेंशन के तहत है उसमें सरकार का पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, और जो चीज़ें चाहिए आज के सैनिकों के लिए, आज के जवानों के लिए, अच्छी सुविधाएं, अच्छे हथियार, अच्छे फाइटर जेट्स, प्लेन, उन सब चीज़ों पे सरकार का बजट ही नहीं हो पा रहा है, पैसा कम खर्च हो रहा है। तो हमारा पैसा कहाँ पे लगना चाहिए सरकार का, ये आप ही बताइए। अब बात करें यदि हम तो जो भर्ती होती है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो भर्ती करती है सरकार, उन भर्तियों की अगर बात करें हम लोग तो उन सिपाहियों की भर्ती कैसे की जाती है, उनका प्रोसीजर भी एक रेगुलर सिपाही की भर्ती की तरह होता है। उनकी भी दौड़ होती है, उनके भी सारे टेस्ट होते हैं जो टेस्ट एक रेगुलर सिपाही के टेस्ट होते हैं। अब हम बात करें अगर तो अगर टूर ऑफ ड्यूटी और रेगुलर सिपाही के बीच में पहचान कोई दूर से ये नहीं बता सकता कि ये टूर ऑफ ड्यूटी का पहचान है या ये रेगुलर सिपाही है, इसको बताने के लिए उसका आईडी कार्ड देखेंगे तब जाके पता चलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।